नबी पाक दा शहर मदीना तो रसूल अब्दुल रहमान फरोख नामी नौजवान पता चले फला महाज ते जिहाद शुरू है। दुआ फरमाओ जेड़े अल्लाह दे राह जिहाद कर दे ने अल्लाह गैर दियां मददां फरमा दे। अल्लाह फलस्तीन कश्मीर बोसनिया के मुसलमानों आजादी नसीब फरमाए। ए नौजवान घर बीवी को आया कहिंदा 30,000 अशरफियां 30,000 बीवी बच्चे की उम्मीद नाल कहिंदा रख बेटा होए बेटी होए उहदी तरबियत करी गुजर बसर करी मैदान जिहाद च जाना पता नहीं लौटना कि नहीं लौटना। जिहाद का मैदान कोई छोटा मैदान नहीं कोई किसी नूं खबर नहीं चला गया। जिहाद करदियां करदियां 27 साल हो गए ने 27 सालों के बाद इहदे दिल के अंदर ख्याल आया अमीरे लश्कर को इजाजत नहीं आ सवारी ते बैठा मदीने आया मदीने पहुंच गया है लभदा लभांदा बंदा अपना घर ते लाभी लैंदा जिते बचपन ते लड़कपन जवानी गुजरी है अपने घर आया दस्तक दीती है अगे 26-27 सालों का नौजवान ये दस्तक दे के सलाम लैके कहिंदा ये घर ते मेरा नौजवान कहिंदा घर मेरा इमामे मालिक रहमतुल्ला अलैहि तालिब इल्मी दा दौर है हजरत इमामे मालिक जैसे लोग भी आए कहिंदे ने अल्लाह वाले हो जे तुहानू कोई घर चाहिए खरीदने किराए ते लेना है होर बड़े मदीने च करने इन्हां नूं परेशान ना करो। कहिंदा यार तुसी मैनूं ही गलत कही जांदे हो मेरा नाम अब्दुल रहमान फरोग मैं 27 साल पहला अल्लाह दे राह दे अंदर जिहाद च गया बीवी ने नाम सुनिया बेटे नूं आवाज दित्ती है बेटा इत्थे तेरे अब्बू ने 27 साल पहला अल्लाह दे राह च निकले ने। ओ लोगो जिहड़ा रब दे राह जिंदगियां वक्फ करदा है अल्लाह पुत्रां नूं वक्त दे इमाम बना दिंदा है अल्लाह पुत्रां औलादां नूं अज़मतां अता करदे बाप बेटा खुशी गले मिले रात गुजारी बीवी नूं कहन लगा अल्लाह वालिए मैं तेनूं 30,000 अशरफियां दे के गया उन्हां दा मैनूं हिसाब चाहिए ये बीबी भी तो अल्लाह वालिए अज दी औरत दी तरह ते नहीं कि पैर पैर ते खावन दे शिकवे ने पैर पैर ते खावन दे गिले ने मेरी ये भैणे पुछ उन्हां औरतां दे कोल जिन्हां दे सिर दे साईं कब्रस्तान दे अंदर तुर गए नहीं अर सहरियां अफतारियां तो परेशान औलादा जमैशा दे अंदर बच्चे स्कूलों दीआं फीसां नहीं दे सकदे ए खामत तेरे तेरी दुनिया दी बहार खामत तेरी जिंदगी दा सब तो बड़ा रब दा इनाम अल्लाह पाक ने तेनू अता कीता इस खामत दी इज्जत करिया कर इहदा इहतराम करिया कर इज्जत दे बोल बोलिया कर जे सारी औलाद दी जन्नत मां दे पैरां थले वे इस मां दी जन्नत खामत दे पैरां थले उस औलाद दे बाप दे कदमां थले ये कह लगी रात नूं आराम कर लवो सुबह थकावट बड़ी है तुहानूं रेस्ट करो सुबह हिसाब दवांगी है सुबह मस्जिद नबवी च गए जरा तखीर ना पहुंचे ने फरमांदे ने पिछे ही नमाज पढ़ी है नबी पाक दा मिंबर एक नौजवान बैठा हदीस दी किताब खोली है अगे इमामे मालिक जैसे हदीस पे पढ़ते ने हदीसा पढ़ाई जा रहे है नबी दी सुन्नत पढ़ाई जा रहे है नौजवान नूं पुछदे ने ओ नौजवाना ओ सामने केड़ा नौजवान नबी दी मस्जिद मदीने शहर मस्जिद नबवी दे मिंबर ते बह के नबी दी हदीस पढ़ांदा पिया कहिंदा जनाब तुहानू नहीं पता ओ 27 साल पहला जान वाला अब्दुल रहमान फरोख जेड़ा है ए ओदा बेटा है ए ओदा पुत्र है तेरा गौर ते करना पुत्र हाफिज बने लोग भाइयां नू मुबारकां दिंदे ने पुत्र इस मुसल्ले ते कुरान सुनाए लोग रिश्तेदारां नू मुबारकां दिंदे ने बेटा इस मिंबर दा वारस बने लोग खानदान मुबारक दिंदे ने उस बाप दी खुशी कैसी है जेदा बेटा मस्जिद नबवी दा इमाम है जेदा बेटा नबी दे मिंबर ते बह गए नबी दीआं हदीसां सुणांदा है खुशी नाल अक्खां चों आंसू निकले ने जल्दी नाल अपने घर चले गए। बीवी कहिंदी है सरताज ना आओ खाणा खाओ नाले मैं तुहानूं हिसाब दे दियां मैं तुहाडे पैसे कित्ते खर्च कीते कहिंदा अल्लाह वालिए मैनूं हिसाब नहीं चाहिए तू ते 30,000 दी गल करनी है लखा दिनार भी हुण मैं इस पुत्र दी जुत्ती तो कुर्बान कर दिया मैं ते वेख के आया मेरे पुत्र नूं रब ने अज़मतां बड़ियां दित्तियां ने इमामे मालिक जैसे लोग सामने बह के हदीस पे पढ़ते ने सामने बह के हदीस पे सीखते ने और लोगो पता चल गया इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती या अक्वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا।
तेरा